हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपशिखा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रुद्राक्ष एजुकेशन पे। तो चलिए इंग्लिश ग्रामर के बहुत बेसिक से टॉपिक्स, लेटर, वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज का डिस्कशन करेंगे। बहुत ब्रीफ में ये डिस्कशन रहेगा, तो शुरू करते हैं। लेटर क्या होता है? ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड, जितने भी हमारे पास लेटर्स हैं ए बी सी डी अप टू जेड तक के, वो 26 हैं हमारे इंग्लिश अल्फाबेट में। वो क्या है? लेटर्स कहलाते हैं। उसमें भी डिवीजन है, पांच वॉवेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल हैं, स्वर हैं, इनसे मात्रा बनती है। और 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। फिर आते हैं वर्ड पे। नेक्स्ट क्या है? वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स सेंस। ठीक है, लेटर्स का ग्रुप रहेगा जो कि हमको मीनिंग देगा, सेंस देगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है? ब्यूटीफुल, ये एक वर्ड है ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब क्या होता है? सुंदर होता है। लेकिन मैं अगर ब्यूटीफुल के लेटर्स का सीक्वेंस चेंज कर देती हूँ तो ये कुछ भी हमको क्या मीनिंग नहीं देता, तो हम इसको वर्ड नहीं कह सकते। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस। जैसे वर्ड्स का यहाँ क्या होना चाहिए? ग्रुप होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखती हूँ आई एम अ टीचर, ठीक है, आई एम अ टीचर यहाँ मैंने लिखा। अब यहाँ पे इसका मतलब मेरे को मिल रहा है इस सेंटेंस का कि मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं अ एम आई टीचर ऐसा कुछ अगर लिखती, इसके सीक्वेंस को बदल देती, तो उसका कोई मीनिंग मेरे को नहीं मिलता और ये सेंटेंस नहीं कहलाता। तो हमको वर्ड का जो ग्रुप है वो हमको क्या देना चाहिए? मीनिंग देना चाहिए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। अब इस सेंटेंस में भी दो चीजें आती है, एक आता है सब्जेक्ट और जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। जो मुख्य कर्ता होता है ना सेंटेंस में, जैसे आई, आई का मतलब मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? मैं। और ये जो है कि क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कहलाएगा। बाकी जो बच जाता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सेंटेंस भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया। आगे आते हैं फ्रेज और क्लॉज, ये दो चीज बचा है जिसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ये भी फ्रेज होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखते हैं कैसे। सो इट्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, फ्रेज के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्रेज के बारे में, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच गिव्स सेंस। ठीक है, सेंस भी देता है, बट इसमें एक चीज ये हो जाता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, इसमें कंप्लीट सेंस हमको नहीं मिलता। ठीक है, ग्रुप ऑफ, जैसे कि मैंने पहले एक मैं पूरा सेंटेंस लिखती हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पे ये कंप्लीट सेंस हमको मिल रहा है कि सूर्य क्या है? पूर्व में उदय होता है। अगर मैं यहाँ से द सन राइजेस को हटा देती हूँ तो मेरे पास क्या बच जाता है? इन द ईस्ट। इन द ईस्ट का मतलब हो गया पूर्व में। अब यहाँ पे कुछ भी सब्जेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं, बस ये बता, ये इतने से हमको पता चल रहा है कि पूर्व में। तो पूर्व में क्या? पूर्व में क्या? सूर्य, चंद्र, क्या? यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं है ना, तो ये इन द ईस्ट यहाँ पे क्या हो गया? फ्रेज हो गया। क्योंकि क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, सेंस भी दे रहा है पूर्व में, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। बहुत सारे फ्रेज हैं जैसे कि व्हाट्सअप, कॉल ऑन, लेट इट बी, ये सारे क्या हैं? फ्रेज हैं। बाद में इसका, इसको डीप में हम और समझेंगे आगे के वीडियोज में। फ्रेज के बाद अब आ जाते हैं क्लॉज में। ठीक है, क्लॉज। अच्छा एक चीज, फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश, पार्ट ऑफ सेंटेंस कह सकते हैं। फ्रेज को बोलते हैं वाक्यांश, ठीक है, और क्लॉज को बोलते हैं उपवाक्य, वाक्य पे आश्रित वाक्य। ठीक है, सेंटेंस को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य, वर्ड को बोलते हैं शब्द, और लेटर को बोलते हैं अक्षर। ठीक है, अब बचा था हमारा क्लॉज। क्लॉज जो होता है इट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, क्लॉज क्या रहेगा? पार्ट ऑफ सेंटेंस रहेगा विच हैज वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसके पास एक सब्जेक्ट और एक क्या रहेगा? प्रेडिकेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस में यहां लिखती हूं, द गर्ल द
girl whom is dancing. ठीक है, whom is dancing is my sister. ये मैंने ऐसा लिखा. अब यहाँ पे क्लॉज को समझते हैं कि क्लॉज का हिंदी में नाम है उपवाक्य. इससे समझ में आ रहा है कि वाक्य पे आश्रित वाक्य हैं. ठीक है, जैसे द गर्ल, यहाँ का जो द गर्ल है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है. बाकी जो बच गया पार्ट वो क्या है, प्रेडिकेट है. अब अगर मैं द गर्ल को अकेले बोलती हूँ तो उसका मीनिंग पूरा नहीं होता. और अगर मैं इसको छोड़ के यहाँ से अगर स्टार्ट करती हूँ सेंटेंस, हू इज डांसिंग इज माई सिस्टर, तो भी क्या होता है, सेंटेंस पूरा नहीं होता. मतलब यहाँ पे पूरा मतलब जो सीन है उसको बताने के लिए, एक लड़की जो, यहाँ हूँ का मतलब क्या है, जो, जो क्या, यहाँ पे हूँ जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है, द गर्ल और बाकी बचे हुए सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है. ठीक है, हूँ जो है कंजंक्शन का काम कर रहा है. तो लड़की जो नाच रही है वह मेरी बहन है. ठीक है, तो यहाँ से जो सेंटेंस हुआ हूँ इज डांसिंग इज माई सिस्टर, वो पूरा पूरे पूरे तरीके से किस पर डिपेंड है, द गर्ल पे डिपेंडेंट है. जो द गर्ल है यहाँ पे, है ना, जो द गर्ल यहाँ पे लिखा है जो फ्रेज, वो पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट है, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. ठीक है, तो एक लव क्लॉज हो गया. इट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, थैंक यू.